हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्जाम 2024 के बारे में। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड। रिजल्ट डेट अनाउंस को लेकर बहुत ही बड़ी आपका न्यूज़ निकल रही है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आपका आंसर की आप लोग का क्या कट ऑफ रहने वाली है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपका आंसर की के बाद आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। एसएससी से रिलेटेड को भी अपडेट आती है तो अपने चैनल पर लेकर आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग ये न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये न्यूज़ निकल का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट 2024 इस तारीख को तक घोषित हो सकती है आपका रिजल्ट, टीयर वन का नतीजे। ठीक है, तो 11 जुलाई तक हुई थी आपकी परीक्षा। तो देखिए, तो बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोग का निकल कर आई है, तो वीडियो पर प्लीज़ बने रहें, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग नीचे बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये न्यूज़ का आर्टिकल को पढ़ें ध्यान से, तो यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 10+2 का परीक्षा 2024 से पहले चल रहा, यानी कि टीयर वन का नतीजा घोषणा का इंतजार हुए सम्मिलित हुए लाखों उम्मीदवार को है। आयोग द्वारा परिणाम जारी किए जाने के तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पिछले वर्ष के परीक्षा पैटर्न के मुताबिक नतीजा अगस्त के तीसरे सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और आज का ही आर्टिकल है फ्रेंड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगस्त के तीसरे हफ्ते में आप लोग को जो है 100% है कि आप लोग का जो है रिजल्ट घोषित होने की संभावना पूरी तरह से, यानी कि आप लोग जो है 25 अगस्त तक आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग का रिजल्ट जो है घोषित हो जाएगा। वहीं आप लोग के कटअप के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में लेके जाते हैं कि आप लोग रिजल्ट कहाँ से देखिएगा और आप लोग को क्या कटअप जाने वाला है। तो आप लोग 100% 25 अगस्त तक इंतजार कीजिए, आप लोग का रिजल्ट 100% है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों का जो है रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखते हैं। देखें तो ये एसएससी का न्यू आपका वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ओल्ड वेबसाइट को भी क्लिक करके यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। नीचे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिस दिया गया है और 2 अगस्त तक अंतिम नोटिस है। नीचे हम लोग सीएचएसएल के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिजल्ट के पहले क्लिक में क्लिक कीजिएगा, जैसे रिजल्ट वाला आइकन में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल में, यहाँ पर है ऑल में एसएससी जीडी है, यहाँ पर सीएचएसएल एस्ट्रो है। चलिए हम लोग सीएचएसएल में क्लिक करते हैं, जैसे सीएचएसएल में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2023 का जो है आप लोग का रिजल्ट के बारे में यहाँ बताया गया है, लेकिन 2024 का आपका रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर आइकन रहेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिटर्न अप और रिजल्ट, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 2023 का है, 2024 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ था। आप लोग को जो है दोस्तों 25 अगस्त तक इंतजार करना है, ठीक है। यही आप लोग का कट ऑफ के बारे में बात कर ले कि इस बार आप लोग का कितना कट ऑफ जा सकती है। जस्ट तो एसएससी काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सीएचएसएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, चलिए इसके बारे में बात कर ले। देखिए तो यूआर कैंडिडेट के बारे में बात कर ले, तो यूआर कैंडिडेट का कितने कट ऑफ रहने वाली है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, यूआर कैंडिडेट के वाले जो कैंडिडेट हैं इनका कट ऑफ एक्सपेक्टेड होने वाला है 150। यह 150 प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा, इतने यदि मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग टीयर 2 का तैयारी 100% स्टार्ट कर दे। वही ओबीसी वाले कैंडिडेट के बारे में बात कर ले तो 148। देखिए दोस्तों, ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर आपका जो है कटअप का रहता नहीं है, प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। वहीं आप लोग के ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के बारे में बात कर ले तो आपका जो है 147 प्लस माइनस 5 आपका रहने वाला है, 147 के आसपास। वहीं कैंडिडेट एससी वाले कैंडिडेट के बारे में बात कर ले तो आपका 135 रहने वाला है, जी हाँ, तो 135 प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। वहीं एसटी वाले कैंडिडेट के बारे में बात कर ले तो लगभग दोस्तों आपका जो है 125, यह दोस्तों एसटी वाले कैंडिडेट के बारे में बात कर ले तो 125 प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा, तो आपका जो इतना रहने वाला है एसटी वाले कैंडिडेट का। तो लमसम दोस्तों बात कर ले, कोई भी कैंडिडेट हो 150 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 100% आप लोग जो है अपना तैयारी कर सकते हैं टीयर 2 के बारे में। कोई भी क्वारी है तो नीचे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, हर एक कमेंट का हम जवाब देते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल में पहले विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।